हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहरित चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समादूना विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अधिकतर हम लोग भक्ति के प्रति आकर्षण हृदय में रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उतना आकर्षण इस भौतिक संसार के प्रति भी रखते हैं। और फिर जब हम भगवान का नाम जप या भक्ति की अन्य विधि विधानों का पालन करते हैं, तो प्राय मन में इस संसार की चिंताएं या इस संसार के प्रलोभन आकर्षण हमें बार बार व्यथित करते हैं। बुद्धि इस बात को समझती है कि भक्ति ही जीवन का मनुष्य के एकमात्र लक्ष्य है, और इस भक्ति को किए बगैर हम इस जीवन को पशु तुल्य जी रहे हैं। तो इन सभी सिद्धांतों को बुद्धि समझती है, लेकिन मन में जो आसक्ति और आकर्षण इस भौतिक संसार के प्रति है वो उससे कई गुना अधिक रहता है। तो इस प्रकार से एक ये द्वंद हमारे मन में बना रहता है। और इस विशेष श्लोक में कहा जा रहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहरित चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते। जिसका आकर्षण भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बना रहेगा, भोग के प्रति बना रहेगा, उसका मन भगवान में कभी स्थिर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में कहा गया था, हमारी बुद्धि व्यवसात्मिका होनी चाहिए। 41वें श्लोक में वो बहु शाखाओं में बटी भी नहीं होनी चाहिए। और इस श्लोक में उत्तर दिया जा रहा है कि वो क्यों बटी रहती है, क्यों वो स्थिर नहीं हो पाती भगवान के चरणों में, क्योंकि हमारा आकर्षण इस भौतिक संसार से बना रहता है। तो इसीलिए जब तक हम इस भौतिक जगत के प्रति निराश नहीं होंगे, तब तक हमारी ये बुद्धि और मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं होता।